फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए हैं KGS प्रोजेक्ट पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पियर और पियर कैप हो चुके हैं, यहाँ पे ग्लाइडर एक्शन भी हो चुका है और आगे ग्लाइडर एक्शन का काम चल रहा है। अभी हम जिस एरिया पे आए हुए हैं, ये मंगल नगर कहलाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ग्लाइडर का यहाँ पे असेंबली किया जा रहा है। ग्लाइडर को यहाँ पे असेंबल किया जाता है, ये तीन पार्ट में होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ यहाँ पे जो साइड साइड के होते हैं वो 8-8 मीटर के होते हैं, बीच वाला 10 मीटर का होता है और यहाँ नट बोल्ट की सहायता से एक दूसरे को जोड़ा जाता है। यहाँ देख रहे हैं पियर की हाइट कितनी है और यहाँ पे जो अलग से निकला हुआ है छज्जा टाइप का, ये डेक स्लैब बनाने के लिए है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे इनको क्रेन की मदद से यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। पहले नीचे असेंबल कर दिया जाता है, असेंबल करने के बाद जैसे कि आप सामने देख रहे हैं ये हैवी क्रेन लगी हुई है, इन क्रेनों के माध्यम से इसको हाइट में शिफ्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, अभी हम मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले पे, जहाँ पे बन रहा है एशिया का सबसे लंबा रेलवे सेपरेट ब्रिज, जिसका काम कर रही है L&T जियो स्ट्रक्चर और इसका क्लाइंट एयरकॉन है। ये रेलवे का सेपरेट ब्रिज बन रहा है जिसको उड़ता जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बेल्ट पे बना हुआ है, यही बेल्ट की सहायता से इसको उठाया जाएगा और यही क्रेन है जिससे उठाया जाता है। ये इसके सपोर्ट के लिए है, ये बेल्ट आप देख सकते हैं एकदम न्यू बेल्ट है।